उनके पास कोई काम बचा नहीं है। 50 साल हो गए इमरजेंसी को, लोग भूल चुके हैं। इमरजेंसी आपातकाल क्यों लगाया गया? इस देश में कुछ लोग अराजकता फैलाना चाहते हैं। रामलीला मैदान से खुला ऐलान हुआ था हमारे जवानों को, आर्मी को, कि सरकार के आदेशों का पालन मत करिए। पुलिस फोर्स को भड़काया जा रहा था कि सरकारी आदेश का पालन मत करो, उसे अराजकता कहते हैं। तो ऐसे में अगर अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री होते तो भी आपातकाल लगाते, ये देश की सुरक्षा का मामला था। कुछ लोग देश में बम बना रहे थे और जगह जगह पर बम विस्फोट कर रहे थे, ये सभी को मालूम है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अमित शाह को आपातकाल क्या है पता नहीं, उस वक्त वो कितने साल के थे मुझे पता नहीं। जिस बाला साहब ठाकरे के आज वो गुणगान गा रहे हैं ना, वो नकली शिवसेना के साथ, हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने उस वक्त इमरजेंसी को खुला समर्थन दिया था, खुला समर्थन, इंदिरा गांधी को खुला समर्थन दिया था, मुंबई में स्वागत किया था उस वक्त, आरएसएस ने भी समर्थन किया था। लेकिन उसके बाद जनता पार्टी की सरकार आई, उनको नहीं लगा कि संविधान की हत्या हो गई। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आ गई, उनको नहीं लगा कि संविधान की हत्या हो गई। चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बन गए, उनको नहीं लगा संविधान की हत्या हो गई। ये कौन है टिकोजी राव? पर सर क्या मंशा रखती है इस तरह के दिन साझा करने के लिए? क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं है, ये लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। उनके पास बहुमत नहीं है, लोगों ने उसको नकारा है, लोगों ने उसको हराया है, तो क्या बोल रहे ये लोग, उनका दिमाग ठिकाने नहीं है। आपने कहा कि मोदी कार्यकाल के हर दिन संविधान हत्या, डेफिनेटली आपातकाल की अगर बात करें तो 10 साल का हर दिन संविधान की हत्या के लिए माना जाएगा। ऐसा एक दिन भी नहीं जहां लोकतंत्र की रक्षा हुई। जिस तरह से कानून, सेंट्रल एजेंसी, भ्रष्टाचार, अराजकता इस देश में बढ़ गई है, तो दर दिन संविधान की हत्या ही है ना। नरेंद्र मोदी और उनके सरकार को इसलिए बहुमत नहीं मिला कि ये लोग संविधान बदलना चाहते थे, संविधान की हत्या करना चाहते थे, इसलिए देश के लोगों ने उनको बहुमत नहीं दिया है, ये समझ लीजिए।